प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के पिपरा जलालपुर निषाद बस्तियों में जाकर समाजवादी प्याज का स्टॉल लगा करके 20 रुपए किलो गरीब परिवारों को प्याज बेचा तथा पंडित समरजीत ने कहा कि आज भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ा करके गरीब जनता की कमर तोड़ दी है। हमारे गरीब भाई किस तरीके से आलू प्याज की सब्जी बनाकर अपना काम चला रहे थे, किंतु इस सरकार ने गरीबों की कमर तोड़ दी। आइए सुनते उन्होंने आगे क्या कहा। 20 रुपए किलो बेचा आपने, क्यों बेचा, क्या मामला है? देखिए, आज प्याज से हमारे गरीब भाई वंचित हो रहे थे। हमारे गरीब भाई जो किसी तरीके से आलू प्याज की सब्जी बना के अपने जीवन का यापन कर रहे थे, आज उन गरीब गांवों में जाके हमने समाजवादी प्याज का स्टॉल लगा के 20 रुपया किलो हमने गरीब जनता के बीच में बेचने का काम किया है। और हम आज भाजपा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि इतनी महंगाई मत बढ़ा दीजिए जिससे हमारे गरीब जनता भूखों मर के सड़कों पर लौटने के लिए मजबूर हो जाए। हम भाजपा सरकार से वो करते हैं कि इतना अत्याचार आप महंगाई बढ़ा के मत कीजिए, हमारे देश में प्याज पैदा होती है। अच्छा, एक बात और है, जैसे पिछली सरकार कांग्रेस की थी तो उसमें भी जो है प्याज का भाव बढ़ा था, तब जन आंदोलन हुआ था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा इस शासन में, क्या मामला है? देखिए, हमारे यहाँ जो चीज पैदा होती है, जो भी सरकार आती है उसको विदेश भेजने का काम करती है। अरे, पहले हमारे घर को मजबूत कीजिए, बाद में विदेशों को माल भेजिए। जब घर के लोग भूखे मरेंगे तब आप विदेश को माल भेजने से क्या फायदा है। आज प्याज 80 रुपया किलो बिक रही है, हमारी गरीब जनता कैसे खाएगी? अरे, उनके दिलों से पूछो आज वो क्या कर कैसे कैसे काट रहे हैं अपना दुख। क्या नाम है आपका? पंडित समरजीत, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी फैजाबाद।